हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आवाज आ रही है तो फटाफट रिप्लाई कर दो, क्लास को स्टार्ट करेंगे। नमस्ते नमस्ते प्रीति जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो, आवाज आ रही है ना सबको? क्लियर, वेरी गुड। चलो गाइस, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, मैं आपको बता दूं कि ये सेशन अपन कंप्लीट करेंगे, उसके विद इन 15 मिनट्स के बाद जो है वो आपके पास एक और सेशन शुरू हो जाएगा। आज आपको बताया आपका एक्सक्लूसिव सेशन है कि जो भी आपको मतलब इश्यूज वगैरह हैं, मतलब प्रिपरेशन के दौरान अगर वो आप पूछना चाहते हैं कि राइट डायरेक्शन में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, जो भी आपको इश्यू आ रहा है किसी भी टाइप का जर्नी में, राइट, यानी कि सिविल सर्विसेज की जर्नी में, आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपन एक 30 मिनट्स का एक्सक्लूसिवली आपके लिए एक सेशन जो है वो रख रहे हैं, और हर मंथ इस प्रकार का एक सेशन जरूर रखेंगे अपन, ठीक है? चलो, तो कौन से टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो ये मैं आप लोग को बता देता हूं। तो सबसे पहला टॉपिक है फूड सिस्टम्स समिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर तेलंगाना दलित बंधु स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, और अभी क्रिटिसिज्म भी इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट मेनली हम लोग फोकस करेंगे इस स्कीम के ऊपर, राइट। फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर यहां पर बात हो रही है प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी के बारे में, हालांकि ये टॉपिक कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है उसको एक बार बस देख लेंगे हम लोग, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इशू के चलते न्यूज में आया है, और बाकी वाला टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसकी अगेन फिर से मैं एक बार लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा फिर हम लोग बात करेंगे पुरी के बारे में कि पुरी पहली सिटी ऐसी बन गई है कि आप वहां पर जाइए, पुरी में जाइए, आप वहां पर किसी भी नल को खोलिए, जैसे हम देखते हैं ना कि घर में पानी जो पीते हैं डायरेक्टली पानी पीते नहीं, नल से उसको फिल्टर करते हैं, आरओ वगैरह के थ्रू जो है वो उसको ले जाकर फिर पानी पीते हैं, है ना। बट यहाँ पर पुरी में ऐसा हो गया कि आप डायरेक्टली नल से पानी पी लीजिए, कहीं से भी कुछ इशू नहीं आएगा। तो बहुत बेहतरीन चीज पुरी के अंदर हम लोग को देखने को मिली है। फिर इंद्र 2021 की हम लोग चर्चा करेंगे, राजा मिर्चा या मिर्ची के बारे में बात करेंगे। मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 एक सामने आया है, तो ये क्या है इसको हम लोग समझेंगे, राइट। फिर प्री पैक्स क्या होते हैं इसको, हालांकि पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, तो इसको फिर से जो है वो हम लोग देखेंगे प्री पैक्स को, क्योंकि काफी समय पहले आप लोग को पढ़ाया था। तो ये टॉपिक्स हैं आज के जो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, पेपर टू के। यहाँ पर बात हो रही है फूड सिस्टम्स समिट की, यहाँ पर बात हो रही है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये समिट अभी कहाँ पर हुई है? रोम में ये समिट हुई है। ये प्री समिट है यूनाइटेड नेशन की फूड सिस्टम समिट जो है, जो कि ग्लोबल इवेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, सितंबर में होने वाला है। तो उससे पहले ये सबमिट एक हुई है, जैसे होता है ना कि एक मेन सबमिट जो होने वाली है उससे पहले एक छोटी सी सबमिट हुई, कि जिससे कि मेन सबमिट में और भी किन किन मुद्दों पर फोकस करके बात करनी है, वो मुद्दे जो है वो सामने आ सके, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को इसकी देखने को मिली इस सबमिट की। अब देखिए, ओरिजिनली ये फूड सिस्टम सबमिट जो है ये 16 अक्टूबर 2019 को अनाउंस की गई थी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा, राइट। और यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट में जो ये उस समय हुई थी 2019 में, तो उस समय तीन रोम बेस्ड यूनाइटेड नेशन की एजेंसी शामिल थी, तो उनकी लीडरशिप में ये समिट हम लोग को देखने को मिली थी। कौन सी थी ये? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये तीन एजेंसी के ज्वाइंट लीडरशिप के आधार पर ये पिछली समिट हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम था, जुलाई 2019 में हम लोग को जो है वो देखने को मिला था, राइट, पॉलिटिकल फोरम। और फिर ये समिट जो है वो कंडक्ट हुई थी उसके बाद। फिर इस समिट की बात करें हम लोग समिट के बारे में, तो ये समिट बेसिकली एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 का है, उसको अचीव करने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स है, जो कि ओवरऑल फूड सिस्टम से भी एसोसिएटेड है। जैसे कि आपको पता है कि पूरे दुनिया भर में से हंगर को एंड करना है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, राइट। 2030 तक जो गोल्स को अचीव करने हैं उसमें से एक गोल ये हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये समिट जो है गाइस, ये नए एक्शंस लेकर आती है, राइट, कि पूरी ओवरऑल डिलीवर प्रोसेस में पूरे फूड सिस्टम के अंदर, राइट। तो ये चीज आपको समझना है। इसके अंदर पांच एक्शन ट्रैक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि लेकर आते हैं एक साथ काफी सारे प्लेयर्स को, साइंस की फील्ड से, बिजनेस की फील्ड से, पॉलिसी की फील्ड से, हेल्थ केयर की फील्ड से, अकेडमिया से, एज वेल एज फार्मर्स को भी साथ में लेकर आते हैं। और अब ये वाली चीज तो इसकी होगी, बट मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ इसमें से आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि एग्जाम के लिए हम क्या प्रिपेयर करें, राइट, इस टॉपिक के अंदर। बट मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ आपको ये बताना चाहिए कि ये इस टाइप की सबमिट है, फूड सिस्टम सबमिट, जो कि कंडक्ट होती है, जिसका मेन फोकस होता है फूड सिस्टम्स के ऊपर, मतलब बात करना है इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर। अब
यहां पर मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये एग्जैक्टली फूड सिस्टम है क्या, राइट? इस चीज को आप समझो। तो फूड सिस्टम का मतलब कि जैसे कि खेत है, ठीक है, खेत से लेकर मार्केट तक जो फूड है, जो खाना है, खेत से लेकर मार्केट तक आने में और इवन मार्केट से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने में, कई बार ऐसा होता है कि फाइनल कंज्यूमर तक भी मार्केट से काफी सारे इश्यूज के चलते जो है वो फूड नहीं पहुंच पाता है, राइट? तो यहां पर बताया गया कि फूड जहां पे प्रोड्यूस होता है वहां से लेकर बिल्कुल एंड कंज्यूमर तक, फाइनल स्टेज तक पहुंचने में जो भी चीज होती है, जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी प्रोसेस होती है, दैट ऑल कम्स अंडर फूड सिस्टम। तो मतलब कि कुल मिलाकर मेन टारगेट है इस समिट का कि खाना जो है उस बीच जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, राइट, तो उन सबको इतना बेहतर करना है, क्योंकि हमने अभी क्या बात करी, डिलीवर प्रोसेस, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी ना, डिलीवर प्रोग्रेस, राइट, कि इस पर जो है वो काम करने के ऊपर ये फोकस करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन टिल कंजम्पशन, यानी कि फाइनल कंजम्पशन, तो ये पूरे एरियाज पर ये मिलकर देखते हैं कि क्या क्या कमियां हैं और कमियों को हाईलाइट करके उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली खाना जो है वो एंड कंज्यूमर तक पहुंच सके, फाइनल स्टेज तक पहुंच सके, राइट? क्लियर है यहां तक बातें? तो ये चीज आपको समझना है। और ये देखिए टर्म जो फूड सिस्टम का, इसका मतलब क्या है, इट इज द कॉन्स्टिलेशन ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड कंज्यूमिंग फूड। सब कुछ इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, राइट, ट्रांसपोर्टिंग इन्वॉल्व है और कंजम्पशन ऑफ फूड इन्वॉल्व है, राइट? तो ये पूरी चीज इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। ये इस पर आपको मेनली फोकस करना है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। और फूड सिस्टम जो है गाइस, ये हर एक एस्पेक्ट जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का है उसको टच करता है, बिकॉज फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर हेल्दी फूड सिस्टम होगा, राइट, तो क्या होगा, बॉडी हेल्दी होगी और ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, एनवायरमेंट हेल्दी होगा, हमारी इकोनॉमी और हमारा कल्चर भी इंटर रिलेटेड है, वो भी काफी हेल्दी होगा। अब आप खुद सोचो ना, जैसे कि इसको इकोनॉमी के साथ हम रिलेट करते हैं, लेट्स फॉरगेट ऑल द फैक्टर्स, सिर्फ इकोनॉमी का सोचो। अगर एक व्यक्ति हेल्दी है, ठीक है, एक व्यक्ति हेल्दी है तो वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा किस चीज में, वर्किंग में, हमारी जीडीपी को बढ़ाने में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अब एक हेल्दी व्यक्ति ही अच्छे से काम कर पाएगा ना, जो अनहेल्दी है वो काम नहीं कर पाएगा, राइट? तो वो इकोनॉमी में सपोर्ट नहीं कर पाएगा, खुद के लिए भी, पर्सनल लेवल पर भी और हमारी डोमेस्टिक लेवल पर भी, यानी कि जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट? तो ये अलग चीज। और व्यक्ति जो हेल्दी नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है एनवायरमेंट को भी जो है वो काफी ज्यादा डैमेज होगा, हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये पूरी चीज है, इंटर रिलेटेड है एक साथ, राइट? फूड अगर, फूड सिस्टम अगर अच्छा है प्रॉपर, तो हर एक चीज जो है वो अच्छी चलेगी। मतलब ये वाली बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। अब इससे जुड़े क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चिंताएं हैं, आप देखिए COVID-19 में आप सभी लोग जानते हैं कि काफी सारे लोग जो है उनको खाना तक नहीं मिला था, काफी सारे लोग जो है वो भुखमरी का इशू लोगों ने फेस किया था। यू आर गेटिंग इट? तो ये चीज तो आपको बताइए। और पूरे दुनिया भर में काफी सारे ऐसे फूड सिस्टम हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो कि काफी नाजुक हो चुके हैं, वल्नरेबल हो चुके हैं, राइट, बिना जांच पड़ताल वाली और ढहने की कगार पर पहुंच चुके हैं ये, मतलब जितने भी फूड सिस्टम है कोलैप्स होने की कगार पर आ चुके हैं। तो ये इशू हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रहा है। और जब भी फूड सिस्टम फेल होगा तो ये हमारे एजुकेशन को, हेल्थ को, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा, उसके लिए खतरा है, राइट, एज वेल एज ह्यूमन राइट, एज वेल एज पीस, एज वेल एज सिक्योरिटी, इन सभी चीज के लिए खतरा है। तो फूड सिस्टम को अच्छा रखना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा गरीब है, मार्जिनलाइज है, राइट, तो ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब आप बताओ कि यहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो पूछ लो। सर आपको मेनली इस टॉपिक पे टारगेट करना है, फूड सिस्टम के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर। और आप मेंस में भी डेफिनेटली इस वर्ड का जरूर उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको कहीं पर लिख लो, इसका तो उपयोग आपको मेंस में करना ही। और देखिए क्या होता है कि मेंस के आंसर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जो भी अभी लेटेस्ट जो चीजें चल रही, मतलब लेटेस्ट वर्ड्स वगैरह, जैसे कुछ इस प्रकार की चीज हो गई, फूड सिस्टम हो गया, राइट, तो ये आप यूज करें। जैसे कि इकोनॉमी में हेलीकॉप्टर मनी, इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया गया था, तो इस टाइप के टर्म्स वगैरह जब आप यूज करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। एक तो ये करेंट अफेयर्स में भी है, राइट, और लेटेस्ट भी है, और इससे पता लगेगा कि आप कितने ज्यादा अवेयर हो अगर ये सब टर्म्स को आप उपयोग कर दे। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक 108 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में आया था, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये वाली स्कीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 में, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग में और काउ बेस्ड इकोनॉमी में। अब आप बोलोगे सर
ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें पता है, हम समझ गए ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है, नेचुरल फार्मिंग भी वी ऑल नो, बट काउ बेस्ड इकोनॉमी क्या है? क्या कोई मुझे बताएगा काउ बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है? सोचो थोड़ा, दिमाग में जोर लगाओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काउ बेस्ड इकोनॉमी? फार्मर्स के लिए काउ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है काउ? मिल्क, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मिल्क, बिल्कुल सही, मिल्क, एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड. देखो काउ बेस्ड इकोनॉमी मतलब वी नो अबाउट इट कि यार हमारे फार्मर जो है उनकी इनकम को डबल करना है, तो और दूसरी बात भी, काफी समय से काफी सारे फार्मर जो है वो मतलब काऊ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं मिल्क के लिए. अच्छी ब्रीड को अपने पास रखने पर फोकस करते हैं, काम करते हैं, जैसे कि ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो, तो इस पर भी मेनली टारगेट करना है, राइट? और तो ये तीन चीजें, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और काऊ बेस्ड इकोनॉमी. तो आपसे काऊ, आपको काऊ बेस्ड इकोनॉमी पर मेनली ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि थोड़ी सी हटके जो चीज होती है ना, वो कई बार एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? तो ये दोनों चीज तो आपको पता है, राइट? इसके अलावा इस स्कीम को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया? तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का जो एजुकेशन विंग है, उसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया. इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलते हैं? एक तो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को बिल्डअप करना विलेज लेवल पर, राइट? और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. अब अगर ये बात समझो, विलेज लेवल पर अगर किसान जो है उनको अच्छी जानकारी है, अच्छी नॉलेज है. आप देखो इस स्कीम का नाम देखो, पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा. कृषि शिक्षा मतलब कि फार्मर्स को क्या करना है, फार्मर को एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करानी है. तो इसी पर मेनली फोकस किया जा रहा है कि अगर किसान जो होगा वो अगर स्किल्ड होगा, राइट, तो ऑब्वियसली बात है कि वो हाई प्रोडक्शन में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकेगा, या फिर उसके पास जो नॉलेज होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा वो, राइट? कि किस टाइप से जो है वो मैनेज करना है एग्रीकल्चर को, एग्जैक्टली फार्मर एजुकेशन जो चीज आपने मेंशन करी, राइट? इसके अलावा रूरल इंडिया को प्रोवाइड कराना है टेक्निकल सपोर्ट के साथ. किस फील्ड में? ऑब्वियसली बात है कि ये स्कीम फोकस कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, या फिर नेचुरल फार्मिंग को, या फिर रूरल इकोनॉमी को, या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को. तो इसमें किसान को टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराना है कि वो किस तरीके से जो है वो मैन्योर्स वगैरह जो है वो बनाए, राइट? इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज तक भी एक्सटेंड करना है इस स्कीम को विलेज लेवल पर, राइट? और यहाँ पर सेंटर्स वगैरह एस्टैब्लिश करना है, और जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स जो होंगे वो सेलेक्ट द फार्मर्स फॉर दिस इनिशिएटिव, वो इस इनिशिएटिव के लिए फार्मर्स को सेलेक्ट करेंगे. बट उसके साथ कुछ कंडीशन होनी चाहिए. पहली कंडीशन कि फार्मर जो है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में. पता लगे आपने उसको सेलेक्ट तो कर दिया, बट वो फिर फर्टिलाइजर छिड़कना शुरू कर दिया उन्होंने, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बचेगा, राइट? पहले ये देखना है कि फार्मर डेडिकेटेड है कि नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाने के लिए. पहले वो चीज देखी जाएगी, नेचुरल फार्मिंग में जाने के लिए या काउ बेस्ड इकोनॉमी के लिए वो पहले से मतलब वो है कि नहीं, इंटरेस्ट है उसका है कि नहीं. तो ये चीज देखने के बाद जो है वो उसको सेलेक्ट किया जाएगा. इसके अलावा प्रायोरिटी उन फार्मर्स को दी जाएगी, राइट, जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वॉल्व है, जो करेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, नेचुरल फार्मिंग को, या फिर काउ बेस्ड इकोनॉमी को, राइट? और फार्मर जो है सभी कम्युनिटीज के, उनको रखना है, फेयर रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट? और सिलेक्शन जो होना चाहिए इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का, राइट? इक्वल इसमें जेंडर हम लोग को देखने को मिलने चाहिए. अब ये वाली बात तो हो गई, इन सब चीजों के बारे में कॉमन चीज है. अब बात करते हैं काउ बेस्ड इकोनॉमी के बारे में. तो इंडिया का ट्रेडिशन और प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर वैल्यू रखती है, भले ही हम कितने भी मॉडर्न बन गए हैं, बट हमारी कुछ ऐसी ट्रेडिशंस इस प्रकार की हैं जिनकी वैल्यू काफी हाई है. जैसे कि काऊ के मामले में आप देख लो, राइट, काऊ की पूजा की जाती है. ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न हो गए तो हमने अपने कल्चर्स को, ट्रेडिशन को भूल गए. काऊ की पूजा की जाती है, सदियों से ये चीज चली आ रही है, राइट? और डोमेस्टिक एनिमल जो है गाइस, ये इंटीग्रल पार्ट है रूरल इंडिया का, हम लोग को देखने को मिलता है. और विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में इंडियन काउ ब्रीड जो है ये हम लोग को जेनेटिक कैपेसिटी की, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग को देखने को मिलते हैं कि अच्छी जेनेटिक कैपेसिटी की, मतलब अच्छी जो होता है कि नस्ल की गाय, उसको अपने पास रखते हैं जो कि बेटर क्वालिटी ऑफ मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करती है. और मिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर क्या रहता है, हाई लेवल ऑफ CLA. अब ये चीज ध्यान में रखना, कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ याद रखने के लिए, क्या पता प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाए कि ये वाला एसिड बताओ किसके अंदर पाया जाता है. ऑप्शन देते हैं तीन चार, और उसमें से एक ऑप्शन हो मिल्क, तो मिल्क आपको ध्यान में रखना है. और ये इसकी खास बात सुनिए, एंटी कार्सियोजेनिक होता है ये, मतलब कि ऐसा मिल्क है कि जिससे कैंसर होने की संभावना जो होती है वो मतलब कम हो जाती है. मतलब इसको, इसका उपयोग करें, सेवन करें, कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. एंटी कार्सियोजेनिक होता है ये, राइट? तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है. अब इसके अलावा बिल्कुल जो चीज आपने मेंशन करी है वो बिल्कुल अभी आगे आ चुकी है,
कि इसके अलावा गाय का यूरिन जो होता है उसको बायो फर्टिलाइजर के तौर पर उपयोग किया जाता है, पेस्ट रेपिलिएंट के तौर पर उपयोग किया जाता है, जो कि हेल्प करता है क्रॉप के प्रोडक्शन में, राइट। साथ ही साथ गवर्नमेंट कंसिडर करती है काऊ फार्म्स को एक मेजर फोकल एरियाज के तौर पर, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है और किसान की काफी इनकम होती है कि बहुत सारी तरीकों से आप एक गाय को पालोगे तो आपको बहुत सारी इनकम जो है वो प्रोवाइड होगी। इवन जैसे कि मेंशन किया एक स्टूडेंट ने कि मतलब जैसे काऊ डंग हो गया और भी काफी सारी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, काऊ यूरिन के थ्रू भी, जैसा मेंशन किया प्रीति जी ने, आई थिंक मेंशन किया, राइट। तो ये उसी फील्ड से बिलोंग करती है प्रीति जी भी, इनसे मेरी बात हुई है कई बार, इन्होंने बताया भी है कि मतलब इस फील्ड से अपने फार्मास्यूटिकल फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो उनको काफी अच्छा आइडिया है। तो वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया चीज लिखी, मेंशन किया, ठीक है गाइस। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट क्या किसी भी प्रकार का, इस स्कीम के पास मेजर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बस वो चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। चलो वेरी गुड, चलो वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो आगे बढ़े, तेलंगाना दलित बंधु स्कीम, इसकी हम लोग बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, दलित बंधु स्कीम, तेलंगाना सरकार की यह स्कीम बताई जा रही है, वेलफेयर स्कीम है, किसके लिए, दलित फैमिलीज को एम्पावर करने के लिए स्कीम है। पॉइंट नंबर वन, दलित बंधु स्कीम दलित फैमिली के लिए, नाम से समझ में आ रहा है, राइट, उनको एम्पावर करने के लिए। इसमें दलित में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 10 लाख रुपए हर एक फैमिली को प्रोवाइड कराने की यहां पर बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि अभी तक सबसे बड़ी इस प्रकार की कैश ट्रांसफर स्कीम कंट्री के अंदर ये दलित बंधु स्कीम बताई जा रही है। इसमें दलित एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट करना है जो कि रिजर्वेशन का हो दलित के लिए। कौन से सेक्टर्स पर यहां पर बात की जा रही है, जैसे कि वाइन शॉप का लाइसेंस दिया जाएगा, तो ये चेक करना जरूरी है कि दलित को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो उसके लिए उनको रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। मेडिकल शॉप्स में वैसी सेम चीज, वैसी राइस मिल, वैसी फर्टिलाइजर शॉप, तो इन सब एरियाज पे और भी काफी सारे एरियाज पे, मतलब कुल मिलाकर जब भी सरकार कोई लाइसेंस इशू करती है तो वो चेक करेगी दलित भी उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, राइट, दलित को भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो इसको मेनली यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। इसमें एक दलित सिक्योरिटी फंड भी शुरू करने की ये लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि मॉनेटरी असिस्टेंस जो 10 लाख रुपए तो प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अलावा सरकार प्लान कर रही है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की एडवर्सिटीज होती है, कोई भी इशू होता है किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए एक फंड जो है, एक कॉर्पस जो है वो क्रिएट किया जाए, जिसका ये नाम दे रहे हैं दलित सिक्योरिटी फंड, और इसको परमानेंटली रखा जाएगा जो कि दलित को सपोर्ट कर सके एडवर्सिटीज के इवेंट में। और इसके अलावा ये फंड जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसको डायरेक्टली मैनेज करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट, और इसके अलावा एक कमेटी भी बनाई जाएगी जिसमें वो कमेटी होगी बेनिफिशियरी की, मतलब कि उसमें दलित का रिप्रेजेंटेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या सामने आ रहा है, तो बताया जा रहा है कि भाई ये वाली स्कीम जो है वो क्यों लाई गई है, क्या इंटेंशन है इसके पीछे, ये क्वेश्चन किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे ऐसे कानून है जो कि दलित के एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, आप उसको छोड़कर अलग से ये स्कीम क्यों लेकर आ रहे हो। तो कुल मिलाकर वही वोट बैंक वाली वो पॉलिटिकल इशू, तो उस पर हम लोग को नहीं आना है, हमारे लिए वो चीज काम की नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप बस ये स्कीम के बारे में मेन चीज आपको फोकस करना है कि ये स्कीम क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर, किसी प्रकार का कोई इशू तो अभी कभी पूछ लो। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मोस्ट अवेटेड चीज ये जो अब फाइनली आ रही है, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, तो ये होपफुली सभी लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया है। अगर आप बोलो कि मैं फिर से पढ़ा दूं इस टॉपिक को, तो अपन फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट वो एक आधी दिन देना, एक दो दिन में आ जाएगा वो वाला वीडियो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर बोलोगे तो करूंगा, वरना अगर खुद से कर सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करवा दें। चलो ठीक है, करवा देंगे, इस पर काम भी चल रहा है, अभी इस पर काम भी चल रहा है, फ्लो चार्ट वगैरह बनाए हुए हैं, तो हो जाएगा, करवा देंगे। चलो इसी के अंदर अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हम लोग को देखने को मिलता है, आता है, तो अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो है क्या गाइस, तो इसे पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा सेटअप किया गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट जो है उनको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट, कैसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि एक एक्स स्टूडेंट है, अब इसने इसने बीकॉम करना है, ठीक है,
अब एक साल करने के बाद इसने डिसाइड किया, कह रहे नहीं यार मुझे बीकॉम नहीं, मुझे तो कुछ और करना है, बीए करना है मुझे, ठीक है। अब क्या होगा कि वो यहां से अगर छोड़ेगा, आज की डेट में क्या होता है, यहां से छोड़ा उसका साल भर बाद उसको कोई डिग्री नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो वो अगर एक कोर्स से दूसरे कोर्स में स्विच करेगा, तो जब वो स्विच करता है या करती है, तो उसमें हम लोग को क्या चीज देखने को मिलेगा कि उसका साल बर्बाद नहीं होगा, बात समझिएगा, उसका साल बर्बाद नहीं होगा, राइट। और अगर वो बाद में चल के चाहे तो वापस इस कोर्स पर वापस एनरोल हो सकता है कुछ समय के बाद, और बिल्कुल जहां से उसने छोड़ा है वहीं से वो शुरू कर सकता है। तो मल्टीपल एंट्री है और एग्जिट सिस्टम इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, बहुत बेहतरीन चीज है यार, ये बहुत बेहतरीन चीज है, राइट। और इसमें स्टूडेंट जो है गाइस वो एक डिग्री को या एक कोर्स को जो है वो छोड़ सकते हैं, राइट, और करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं, फिर बाद में जाकर कुछ समय के बाद, कुछ सर्टेन टाइम के बाद जो है वो फिर से रिजॉइन कर सकते हैं अपनी स्टडी को, जहां से उन्होंने छोड़ा था वहीं से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव बिटवीन इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में आसानी से मूव कर सकेंगे ये लोग, और कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं आएगी, राइट। जैसे कि अक्सर होता है कि एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट पे गए, अब वो हो गया, मतलब जितनी पढ़ाई करी थी सब फेल, राइट। तो ये बहुत बेहतरीन चीज यूजीसी लेकर आया। और एबीसी जो है वो रिकॉर्ड्स रखेगी एकेडमिक क्रेडिट्स के, मतलब स्टूडेंट्स के जो एकेडमिक क्रेडिट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, और कोई भी क्रेडिट कोर्स जो है वो डायरेक्टली स्टूडेंट से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट। मतलब कि उसके जो होता है ना कि कितना क्रेडिट स्टूडेंट को मिला वो डायरेक्टली स्टूडेंट से नहीं लिया जाएगा, तो स्टूडेंट तो इसमें घोटाला करवा रहे हैं, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लिया जाएगा, राइट, और ये सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट के अकाउंट्स में जो है वो डिपॉजिट करेंगे, और फिर उसके थ्रू फिर वो यूजीसी के नेटवर्क के पास से चला जाएगा। और एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो है ये हेल्प करेगा क्रेडिट वेरिफिकेशन में, क्रेडिट एक्यूमुलेशन में, यानी कि कितना, पहली बात तो कितना क्रेडिट है उसको वेरीफाई करने में, कितना क्रेडिट रखा है उसको देखने में, क्रेडिट को ट्रांसफर करने में, इसके अलावा स्टूडेंट के क्रेडिट को रिलीज करने में और प्रमोट करने में स्टूडेंट्स को, राइट। तो इसमें ये काफी ज्यादा मदद करेगा, प्रमोट मतलब कि हायर क्लास में, जैसे कि उसने फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया वो चला गया, अब डायरेक्टली उसे सेकंड सेमेस्टर से बैठना है, तो फर्स्ट सेमेस्टर से जो है प्रमोट हो गया, डायरेक्ट वो सेकंड पे ही जाएगा अगर बाद में कभी ज्वाइन करता है, तो ये इस टाइप की चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्लियर। बस इतना ही टॉपिक था ये वाला छोटा सा, चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। अब देखो ये प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी कितनी बार आ चुका है, तो ये जो टॉपिक लगातार रिपीट होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं इस टॉपिक की एक लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको अच्छे से देख लो, उससे रिलेटेड नोट्स बना लो, अभी ये जानो कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों था। तो देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लॉ मेकर्स कैनॉट इंडल्ज इन क्रिमिनल एक्ट्स ऑन पार्लियामेंट्री और असेंबली फ्लोर, पॉइंट टू बी नोटेड। आपने देखा होगा कई बार पार्लियामेंटेरियंस है, एमपी एमएलए जो है, ये हाउस के अंदर क्या करते हैं, तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, मतलब क्रिमिनल एक्ट करने लगते हैं, कई बार माना पीटी भी हो जाती है। तो यहां पर कहा गया कि आप हाउस के अंदर जो इस प्रकार की चीज कर रहे हो, राइट, ये क्रिमिनल एक्ट जो कर रहे हो उससे आपको इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी, राइट। मतलब आप जो है राइट टू फ्री स्पीच को एज अ शील्ड के तौर पर यूज नहीं कर सकते हो, राइट, यानी कि आप क्रिमिनल एक्ट नहीं कर सकते हो ये बोलकर कि राइट टू फ्री स्पीच है, क्रिमिनल एक्ट इज डिफरेंट थिंग, राइट। क्योंकि इन्होंने क्लियरली ये चीज कही कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, तो उन्होंने मतलब इस तरीके से इम्यूनिटीज नहीं दी थी पार्लियामेंटेरियंस को कि मनचाही चीज अपनी करें, क्रिमिनल एक्ट करें और फिर उनको इम्यूनिटी मिल जाए। इम्यूनिटी बेसिकली इसलिए अलाउ की हुई है पार्लियामेंटेरियंस को, जिससे कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के, राइट, अपने कार्य को जो है वो कंटिन्यू रखें, राइट। तो इसलिए उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दी गई है, ना कि इसके लिए कि वो लड़ाई झगड़ा करें, तोड़फोड़ करें, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखिए, केरला सरकार द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कुछ शीर्ष वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF, राइट, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस लेने के लिए अपील की गई। अब देखिए, इसी टॉपिक के बारे में हमने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था, जब मैंने आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में भी बताया था, राइट। अब फिर से ये टॉपिक आ गया, तो फिर से जो है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एक बार आपको रिवाइज कर लेना है, इसका लिंक मैं आपको छोड़ दूंगा। तो देखो, इन नेताओं पर वर्ष 2015 में एक बजटीय भाषण के दौरान विधानसभा सदन में तोड़फोड़, ध्यान सुनिए, विधानसभा सदन में तोड़फोड़ करने तथा सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का आरोप है। तो ये जो नेता है कुछ, राइट, तो इन्होंने तोड़फोड़ मचाई थी, ये इनके ऊपर जो है वो आरोप यहां पर लगा गया था, मतलब कि एक क्रिमिनल एक्ट इन्होंने किया था, उसी पर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली चीज मेंशन करी, राइट। और लीडर जो है गाइस, इन्होंने क्लेम कर लिया अपना पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, राइट, इम्यूनिटी क्लेम करी उन्होंने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से, और कोर्ट ने क्या चीज ऑब्जर्व करी
एक्ट ऑफ वेंडलिज्म यानी कि ये जो तोड़फोड़ जो की जाती है ना, कहा जा रहा है कि ये इसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर नहीं रख सकते, राइट? मतलब इसको आप जो है वो असेंबली की प्रोसीडिंग के तौर पर नहीं रख सकते, ये तो असेंबली का बिजनेस है, नॉर्मल रूटीन है, ऐसा नहीं कर सकते आप। तोड़फोड़ क्रिमिनल एक्ट है, आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया है, राइट? क्योंकि वहां पर रखी हुई जितनी भी सीट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो भी चीजें हैं वो किसकी है, यानी कि लोगों के टैक्सेस के थ्रू लाई गई है, एस्टैब्लिश की गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी है वो, राइट? और कहा गया कि ये इंटेंशन नहीं था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टर्स है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ड्राफ्ट किया था, राइट, उनका इंटेंशन ये नहीं था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कोई भी व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल एक्ट करना शुरू कर दे, एमपी एमएलए क्रिमिनल एक्ट करना शुरू कर दे, राइट, प्रोटेस्ट के एवज में कि वो प्रोटेस्ट कर रहा है। लेजिस्लेटर जो है वो किसी प्रकार का वॉयलेंस नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की दंगेबाजी नहीं करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और वो फिर बाद, और अगर ऐसा करें और फिर बाद में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी जो है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के तहत जो है वो अगर क्लेम करना शुरू कर दे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो कभी था ही नहीं इंटेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, राइट? यहां पर बताया गया कि लॉफुल बिहेवियर की जो बाउंड्रीज है वो सभी के लिए अप्लाई होती है, इंक्लूडिंग एमएलए ऑल्सो, राइट, सभी के लिए अप्लाई होती है, राइट, लॉफुल बिहेवियर की, कि आपको सही तरीके से जो है वो बिहेव करना है, राइट, इस तरीके से नहीं कि तोड़फोड़ मचाओ आप। और इसके अलावा ट्रू एसेंस जो प्रिविलेजेस का है कोर्ट के अकॉर्डिंग, वो ये बताया गया कि स्पेशली जो लेजिस्लेचर्स हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी फियर या बिना किसी फेवर के जो है वो अपने एसेंशियल फंक्शन को, अपने कार्यों को जो है, यानी कि हाउस के जो बिजनेस है उनका जो कार्य है वो निष्पक्ष तरीके से बिना किसी डर के कर सकें, तो इसके लिए ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो उनको दी गई है, ना कि इसके लिए कि वो क्रिमिनल एक्ट में जो है वो इंडल जो इन्वॉल्व हो, राइट? और एसेंशियल फंक्शन क्या हम लोग को देखने को मिलता है हाउस का, कलेक्टिव डेलिबरेशन मतलब कि सामूहिक विचार विमर्श करना और डिसीजन मेकिंग, ये दो मेन चीज होती है, जो दो फंक्शन होते हैं, अब इसमें आप जो है लड़ाई झगड़ा करोगे तो वो तो सही बात नहीं है, और फिर उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लोगे तो वो भी बिल्कुल सही बात नहीं है, राइट? और प्रिविलेजेस जो है दे आर नॉट अ मार्क ऑफ स्टेटस, वो स्टेटस का मार्क नहीं है, विच मेक्स लेजिस्लेचर स्टैंड ऑन एन अनइक्वल पेडेस्टल, मतलब कि जैसे कि पार्लियामेंटेरियंस क्रिमिनल एक्ट कर लें फिर बाद में जाकर ये क्लेम करें कि हम तो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमें प्रिविलेजेस जो है वो मिलना चाहिए, राइट? तो ये तो फिर गलत हो जाएगी। क्रिमिनल एक्ट जो है, और ये सभी के लिए, मतलब सभी, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर क्रिमिनल एक्ट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस प्रकार से अलग जो है वो नहीं किया जाएगा पार्लियामेंटेरियंस को, राइट, दूसरों से अलग नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंटेरियंस को कुछ इम्यूनिटीज मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो गलत उपयोग करें, इस प्रकार से जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुस्सा किया कि इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं पार्लियामेंटेरियंस और उसके बाद सर इम्यूनिटी जो है वो लेकर आते हैं। अब देखो ये पूरी स्टोरी हालांकि आपके लिए काम की नहीं थी, बट फिर भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि एक बड़ा मतलब फैसला जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को लेकर, जिससे कि आप मेंस पे एटलीस्ट ये दो तीन पॉइंट जो है वो इससे रिलेटेड मेंशन कर सके, बट मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये क्या होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कवर कर लिया है एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं किया है तो आज आपके ये इस एप्लीकेशन पे मैं आपको वो भेज दूंगा, लिंक आपके पास आ जाएगी, ठीक है? तो क्लियर है यहां तक बातें, किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट, और बाकी नोट्स इसमें आपको मिली जाएंगे, यहां पर किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ लो। हो रहा ही नहीं चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी चीज ही नहीं है डाउट वाली। चलो पेपर थ्री के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा मुझे तो ये पुरी का, तो बहुत अच्छा लगा, पुरी का सीन बहुत बढ़िया है। पहली सिटी बन गई है कंट्री के अंदर कि जहां पर आप डायरेक्टली नल को खोलो और पानी पी लो, बहुत ही बढ़िया यार। तो ओडिशा सरकार ने डिक्लेयर किया है पुरी एज द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू हैव सिटी वाइड सेफ ड्रिंकिंग टैप वाटर। वेरी गुड, सिटी वाइड पूरी सिटी में सेफ ड्रिंकिंग टैप वाटर बताया जा रहा है, जिसको आप डायरेक्टली पी सकते हो, राइट, कुकिंग के लिए यूज कर सकते हो विदाउट फर्दर फिल्ट्रेशन और बॉइलिंग। वेरी गुड यार, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाली चीज। ड्रिंकिंग फ्रॉम टैप सुजल मिशन, राइट, देयर इज नो नीड फॉर स्टोरेज और अ फिल्टर एंड टैप वाटर इज विल बी 24/7 अवेलेबल। बहुत ही बढ़िया, तो ये बेहतरीन चीज हम लोग को बताई जा रही है। इसके बेनिफिट हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो आज की डेट में बताया जा रहा है कि 3 करोड़ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स का उपयोग जो है वो डाउन हो जाएगा, राइट। वैसे तो देखो ये चीज यहां पर कह रहे हैं कि डाउन हो जाएगा, बट होगा नहीं, क्योंकि क्या होता है मेंटेलिटी माइंडसेट ये चेंज नहीं होगा अभी, मतलब एकदम से चेंज नहीं होगा, इसको चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि देखो पहले के समय पे जब ये बॉटल वॉटल नहीं थी तो फिर कोई दिक्कत होती नहीं थी, बिकॉज एवरीवन नोस कि हाँ यार पानी ठीक है। फिर बाद में आकर धीरे धीरे करके एडवर्टीजमेंट होना शुरू हो गए कि पानी देखो कितना खतरनाक है, पानी से बहुत सारी बीमारियां होती है, और वो गलत भी नहीं है, होती है डेफिनेटली, राइट।
बट फिर वापस इस माइंडसेट को, इस डर को कि यार पानी पीने, और वैसे अभी कोरोना वायरस का समय हम लोग को देखने को मिलता है तो वैसे ही डर है ही लोगों में, तो एकदम से ये चीज है वो शिफ्ट नहीं होगी। जैसे यहाँ पर मेंशन किया है ना कि एकदम से शिफ्ट हो जाएगी, द मूव विल नाउ एलिमिनेट द यूसेज ऑफ 3 करोड़ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल अभी के लिए, तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। सर इन जयपुर आई हैव सीन एट स्पेसिफिक प्लेसेस प्यूरिफाई वाटर अवेलेबल एंड पर्सन ऑफर अस विद सो मच लव। हाँ हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, जैसे कि मैं महाकाल मंदिर गया था कुछ समय पहले, तो वहां पर भी लगे हुए ऐसे काफी सारे प्यूरिफायर्स, करते हैं लोग वो, तो लोग किस वो सेवा के अंदर आ जाता है, सेवा के अंदर आ जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि वो पूरा का पूरा हर जगह, मतलब पूरी सिटी के अंदर आप टैप वाटर को खोलें और पानी जो है वो पी सकते हैं। सिटी विल नाउ बी फ्री फ्रॉम, डेफिनेटली नॉट इन, बट इन नियर फ्यूचर ऐसा हो सकता है, अभी हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको मेंस में भी ये चीज जो है वो डिफाइन करनी है कि यार प्रैक्टिकल सेंस में क्या है और थ्योरेटिकल सेंस में क्या है। तो आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको तो ब्यूरोक्रेसी में प्रैक्टिकल चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि थ्योरी में तो कानून बन जाते हैं बट इंप्लीमेंट होने में इट टेक्स टाइम, राइट। तो आपको मेनली फोकस करना है प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, राइट, कि प्रैक्टिकल चीज क्या है कि हमें भी पता है, और आप मेंशन कर सकते हैं कि जैसे जो मैंने भी आपको कुछ पॉइंट बताया, आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो, आप अपने भी पॉइंट ऐड किया करो, क्योंकि मेन चीज क्या है कि इस एग्जाम के अंदर कि आप जितना अपना माइंड चलाओगे ना उतना आपको मजा आएगा, आपको जो भी कुछ नई चीज लग रही है भले ही गलत क्यों ना हो लिखो, मैं तो बोलता हूँ लिखो भले ही गलत क्यों ना हो, क्योंकि जब आप करोगे लिखोगे तब क्या होगा आपका माइंड जो है वो प्रोसेस करना शुरू करेगा, और हमें इस एग्जाम के अंदर माइंड को जो है वो चलाना जरूरी है, सोचना जरूरी है, राइट। क्योंकि एग्जाम में जो भी चीज आएगी, आप जैसे प्रीलिम्स का ही देख लो, आप प्रीलिम्स में हम पूरी चीज कवर तो करेंगे बट अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तब आप उस आंसर तक पहुंच पाओगे। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती यूपीएससी, राइट, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होता है और उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी, तो किसी भी टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग पर मेनली फोकस किया करो, राइट। तो ये चीज हमारे बताई जा रही है। अब हम फोकस करते हैं सुजल मिशन के ऊपर। तो सुजल मिशन कब लॉन्च हुआ था, October 13th को लॉन्च हुआ था, राइट, लास्ट ईयर, पिछले साल। और टू इंश्योर क्वालिटी टैप्ड ड्रिंकिंग वाटर, कि वो जो नल का पानी है वो अच्छी क्वालिटी का रहे, और मोर देन 1.5 मिलियन पीपल, मतलब 15 लाख लोग, और मोर देन 15 अर्बन एरियाज पे ये लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 24/7 हेल्पलाइन सेंटर जो है विद IVRS यानी कि इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। आपने सुना होगा जब भी किसी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो IVRS पर आपका कॉल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, सुना ही नहीं सुना, तो ये वही वाली बात है, राइट। और ये किस पर्पज के लिए बताया जा रहा है कि ग्रेवियंस रिड्रेसल के लिए, कि पानी से रिलेटेड किसी को कोई शिकायत होती है तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें, राइट। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज यहाँ पर बनाई जा रही है, राइट। क्विक रिस्पॉन्स टीम जो है वो लाई जा रही है, जो कि तुरंत जो है वो पानी से रिलेटेड जो भी समस्या आती है, जो भी कंप्लेन आती है पानी के सप्लाई से रिलेटेड, उसको रिजोल्व करने के लिए काम कर रहे। तो ये सुजल मिशन के अंदर ये पूरी चीजें हैं, तो ये पॉइंट याद रखो सुजल मिशन किससे रिलेटेड है, ये बस चीज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। राइडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइडिंग इज नॉट एट ऑल अ थेरेपी, जो आप मेंशन कर रहे हो थेरेपी है वो अपनी जगह पे, यार हम लोग को अभी मेन फोकस करना है इस एग्जाम को निकालने में, तो आपका जो पूरा जो फोकस होना चाहिए, पूरी एनर्जी होनी चाहिए एक ही चीज पर होनी चाहिए कि वो रही क्या चिड़िया की आंख, और उस पर आपको अटैक करना है। सिर्फ टारगेट ऑन सिविल सर्विसेज, जो भी आपका टारगेट है 2021 का, तो 10 अक्टूबर आपकी डेट होनी चाहिए, 2022 का तो जो भी डेट है तो वो होनी चाहिए आपकी, राइट। तो इस तरीके से आपका टारगेट रखो, ठीक है, चलो आगे बढ़े। इंद्र की बात करें, इंद्र 2021 तो क्या है ये, तो इंडो रशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखना ये चीज डायरेक्ट आ सकती है कि इंद्र जो है वो क्या है, तो इंडो रशिया INDR, सिर्फ ये चीज ध्यान में रखना है, IND से इंडिया, RA रशिया, ऐसे अब वो स्पेलिंग भी जाओगे तो मेरे को गलत हो सकता है, बट रशिया रशिया ऐसे करें, हिंदी वाली स्पेलिंग सोच लेना। तो इंडो रशिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिल रही है, 12वां एडिशन है इसका, यहां पर रशिया के अंदर हुआ है, वोल्गोग्राद में हुआ है, राइट। और ये फोकस करते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर टेरर ऑपरेशंस को काउंटर करने के लिए, जो कि यूनाइटेड नेशन के मैंडेट में हम लोग को देखने को मिलता है, बस सिंपल सी इतनी सी चीज बस ध्यान में रखो, इंडो रशिया की एक्सरसाइज है इंद्र, राइट। अब बात करते हैं राजा मिर्चा या राजा मिर्च के बारे में, राजा मिर्च बहुत खतरनाक मिर्ची है, और मिर्ची कौन कौन खाता है, अब देखो यहां पर बताया जा रहा है कि भूत जोलोकिया भी इसको कहते हैं, राइट, या फिर गोस्ट पेपर भी इसको कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि राजा मिर्चा, ये जो मिर्ची है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया गया, ये भी बता देंगे आपको क्वेश्चन में, राइट, 2008 में दे दिया गया, शायद ये भी बता दें, फिर पूछ लेंगे कि कहां पर है ये मिर्ची, तो नागालैंड आपको ध्यान में रखना है कि नागालैंड के लिए ये मिर्ची, या नागालैंड की मिर्ची है, नागालैंड में काफी फेमस ये मिर्ची हम लोग को
भूत जोलोकिया या गोस्ट पेपर या फिर राजा मिर्च हम लोग को देखने को मिलती है। और दुनिया की हॉटेस्ट चिली, सबसे तीखी चिली में से एक ये मानी जाती है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जाती है। और टॉप फाइव जो चिलीज हैं उनमें से एक ये बताई जाती है पूरे दुनिया भर में। और किसकी रैंक के अकॉर्डिंग या किसने इस चीज को जो है वो रैंक किया है या मार्क किया है, तो स्कोविल हीट यूनिट्स तो इनके द्वारा बताया गया है कि टॉप फाइव चिली में से ये एक हम लोग को चिली देखने को मिलती है। मिर्ची के मामले में खतरनाक है ये, राइट, क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं, मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 की यहां पर बात हो रही है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो पार्लियामेंट ने जो है वो पास कर दिया है मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 को। ये रद्द कर रही है, रिपील कर रही है लाइट हाउस एक्ट 1927 को, राइट, और जो कि करीब 90 साल से ज्यादा पुराना था, 9 decades से ज्यादा पुराना ये कानून जो था, राइट, जो कि किसको गवर्न कर रहा था, ट्रेडिशनल नेविगेशन एड, दैट इज लाइट हाउस को गवर्न कर रहा था। देखो इस प्रकार के लाइट हाउस आपने देखे होंगे, कई बार कुछ आइलैंड्स में देखने को मिलते हैं, कई बार समुद्र में छोटी छोटी सी कुछ जगहें होती हैं वहां पर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पर मैं ये पहले पुराने के समय की बात थी है, आज की डेट में टेक्नोलॉजीज आ गई है, नई नई टेक्नोलॉजीज हम लोग को देखने को मिलती है। आपने देखा है कि समुद्र में पानी में एक छोटे छोटे से ऐसे कुछ बने रहते हैं, राइट, ये आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, लाल कलर के, पीले कलर के, उसके ऊपर एक लाइट भी लगी रहती है, पानी में तैरते रहते हैं ये चीज। तो ये वाली चीज होती है ना, ये शिप्स वगैरह को मदद करती है, यही नेविगेशनल एड जिसको हम लोग बोलते हैं वो यही है। नेविगेशनल एड में सिर्फ अपने दिमाग में ये चीज मत लेकर आना लाइट हाउस को, राइट, क्योंकि अक्सर नेविगेशनल एड में लोग लाइट हाउस को या मरीन एड्स टू नेविगेशन में लोग सिर्फ लाइट हाउस को लेकर आते हैं। लाइट हाउस तो वो पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, आज की डेट में टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है, तो आप वो समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूं, नहीं समझ रहे हो तो बता दो अभी, फिर मैं फोटो ढूंढ के निकालू। समझ तो गए होगे मेरे ख्याल से मैं किसकी बात कर रहा हूं, कि वो छोटी छोटी चीजें वो तैरती नहीं रहती, इसमें उसमें लाइट भी जल रही होती है। बताओ मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी लोगों को? नो मतलब क्या, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? अच्छा रुक जाओ, चलो रुको, समझा देते हैं यार, इसलिए मुझे लग रहा था कि यार मैंने कहा यार कॉन्सेप्ट सही तरीके से होना जरूरी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुको अभी बताते हैं। मुझे ये फोटो डालनी चाहिए थी यार, मैं मुझे लग रहा था कि शायद समझ जाओगे, ऐसा बोलने में समझ जाओगे, बट कोई बात नहीं, अभी समझोगे। हाँ माइंड में तो लाइट हाउस ही आता है, बट वो आज अभी देख लोगे तो ये याद आ जाएगा कि अरे हाँ यार ये वाली चीज भी तो थी, अरे यार ये क्या आ गया, ये बड़ी झंझट होती है कई बार। रुको, क्या किया जाए, आ जा भाई, आ जा, हाँ आ गया, देखो 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 देख दिख रहा, अब समझ में आया, अब तो आ गया होगा। आ गया, हाँ वेरी गुड। ये वाली चीज होती है, ये क्या होता है, ये शिप वगैरह को, बोट वगैरह को बताती है कि भाई कहाँ जाना है, तो यही वाली चीज है।
इसके अंदर तो नेविगेशन करने में मदद करती हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि सिर्फ हम लोग को लाइट हाउस को नहीं देखना है, ये इसको भी ध्यान में रखना है नेविगेशन की जब भी बात आती है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नहीं पुराना कॉन्सेप्ट था लाइट हाउस वाला, और अभी मैंने आपको क्या बताया 90 साल पुराना ये कानून चल रहा था, अब उसने नई टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल किया ही नहीं था, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नई टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया जाए, राइट। अब देखो इस बिल के अंदर क्या चीजें हम लोग क्या हाईलाइट्स हैं, सबसे पहले तो एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा ये फलाना कानून, तो ये पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। इसमें अलग अलग मैरीटाइम जोन्स हो गए, जिसमें टेरिटोरियल वाटर्स हो गए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गए, तो सब में ये एप्लीकेबल होगा। ये बिल क्या प्रोवाइड कराएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स टू नेविगेशन को, और डायरेक्टर जनरल जो होंगे वो एडवाइस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जितने भी मुद्दे हम लोग को मैटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं नेविगेशन एड्स से रिलेटेड, राइट, और भी दूसरे मुद्दे, तो उसको डील करेंगे ये डायरेक्टर जनरल और फिर एडवाइस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है CAC सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, जिसपे जिसके अंदर ऐसे लोग होंगे जिनका इंटरेस्ट अफेक्टेड होगा इस बिल के थ्रू, और स्पेशली ऐसे भी लोग होंगे जिनमें स्पेशल नॉलेज होगा इस मैरिटाइम सेक्टर से रिलेटेड, राइट। और गवर्नमेंट जो है वो कंसल्ट करेगी CAC के साथ काफी सारी मैटर्स पे, जैसे कि अगर उन्हें एस्टैब्लिश करना हो एड्स टू नेविगेशन को, यानी कि इस प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश करना हो, राइट, इसके अलावा ऐड करना हो, ऑल्टर करना हो, यानी कि मॉडिफाई करना हो, रिमूव करना हो किसी प्रकार के ऐसे एड्स को, और जो भी कॉस्ट वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है ऐसे एड्स से रिलेटेड, तो उस पर डिस्कशन होगा। और अगर किसी भी प्रकार की सब कमेटी को अपॉइंट करना है तो उसके लिए CAC के साथ जो है वो सरकार डिस्कस करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी डेवलपमेंट मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए सभी प्रकार के जनरल एड टू नेविगेशन और वेसल ट्रैफिक सर्विस के लिए। आप देखो वेसल ट्रैफिक सर्विस, ये चीज आप अपने दिमाग में रखना, क्योंकि ये हेल्प किसके लिए करती है, ये वाली चीज किसको हेल्प करती है, शिप्स वगैरह को हेल्प करती है कि कहां पर जो है वो उन्हें मूव करना है, कहां पर जाना है, कहां पर नहीं जाना है, तो उनको डायरेक्शन मिलने में मदद मिलती है इस चीज से, राइट। अब बिल प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी अलाउड टू ऑपरेट ऑन एनी एड टू नेविगेशन और एनी वेसल ट्रैफिक सर्विस इन एनी प्लेस अनलेस ही होल्ड्स अ वैलिड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। मतलब कि अब इस चीज को प्रोफेशनलिज्म के अंदर लाया जा रहा है कि वही व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से नेविगेशन एड में इन्वॉल्व होगा जिसके पास सर्टिफिकेट है, राइट, तो उसी को ही इन्वॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा डिस्प्यूट रिड्रेसल की बात हो रही है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है, कोई भी शिकायतें वगैरह आती हैं, कोई भी इशू अगर हम लोग को देखने को मिलता है मरीन एड से रिलेटेड, राइट, या नेविगेशन ड्यू से रिलेटेड या एक्सपेंसिस से रिलेटेड या कॉस्ट से रिलेटेड, तो इसकी सुनवाई होगी सिविल कोर्ट के अंदर। और सिविल कोर्ट कहां पर, कि जैसे कि कोई एक एरिया है, ठीक है, कोई एक कोस्टल स्टेट है, अब वहीं पर ही उसी के पास ही कुछ इशू डिस्प्यूट हुआ, तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये वाली चीज आपको पता भी होगी कि जैसे कि एक रोड है, ठीक है, एक रोड चल रहा है, अब रोड आपको पता है कि दो चीज होती है, आने वाला एक जाने वाला, कई बार आपने देखा होगा रोड के इस तरफ एक्सीडेंट हुआ तो वो दूसरा पुलिस थाना लगता है, उस तरफ एक्सीडेंट हुआ तो दूसरा पुलिस थाना लगता है, यानी कि उनका दूसरा क्षेत्र अधिकार होता है। वही बात यहां पर की जा रही है कि जो कोस्टल स्टेट्स है पहले चेक किया जाएगा कि किस जो कोस्टल वाटर है वो किस स्टेट के क्षेत्र अधिकार के अंदर आता है, तो उसी स्टेट के सिविल कोर्ट में मामला जो है वो सुना जाएगा। तो ये वाली चीज इसके अंदर यहाँ पर मेंशन है। और नए कानून को लाने की क्यों आवश्यकता है, तो वही चीज, एक तो स्टैचुटरी फ्रेमवर्क, अप्रोप्रिएट स्टैचुटरी फ्रेमवर्क बनाना है, और देखो मॉडर्न रोल ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेट, राइट, जो कि मॉडर्न रोल हम लोग को देखने को मिल सके, वही टेक्नोलॉजी वगैरह को आप इसमें मेंशन कर सकते हो, तो इसलिए इस नए कानून की आवश्यकता थी। अब इस नए कानून के क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो इंप्रूव होगा लीगल फ्रेमवर्क में, इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा जितने भी मामले होते हैं, राइट, एड्स टू नेविगेशन से रिलेटेड या वेसल ट्रैफिक सर्विसेज से रिलेटेड, तो उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, सेफ्टी और एफिशिएंसी शिपिंग की बढ़ेगी, एनहांस होगी, स्किल डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट के थ्रू। इसके अलावा मार्किंग ऑफ रेक, जो मलबा वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है, मलबा वगैरह डूबे हुए फंसे हुए जहाज की पहचान करने में ये मदद करेगा, राइट। इसके अलावा लाइट हाउस के डेवलपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन कल्चर टूरिज्म, तो इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये पूरी चीजें हैं जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है, यहां पर कोई डाउट तो पूछ लो। और गाइस इतने सारे स्टूडेंट एनरोल्ड है अपने पास, अराउंड 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इस लाइव कोर्स में एनरोल्ड है, बट फिर भी मात्र 15-20 स्टूडेंट ही आते हैं। आप सभी लोग अटेंड किया करो यार, और सुबह का टाइम अगर आप ये वाली चीजें फिनिश कर लोगे तो पूरे दिन में आपका एक अच्छा टॉपिक जो है वो फिनिश हो चुका होगा, बस रात में आपको रिवीजन करना है, तो अटेंड किया करो सभी लोग। और जिन भी स्टूडेंट को देखिए कोई भी इशू आ रहा है ज्वाइन करने में, आपके पास मेरा नंबर है ही, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए। काफी सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है पहले अपना नंबर नहीं दिया था, फोन नंबर नहीं दिया था, अगर उनकी बार बार रिक्वेस्ट
रिजेक्ट हो रही है तो उसकी वजह यही है कहीं कुछ गलती कर रहे हो आप, तो आप मुझसे एक बार कॉन्टेक्ट कर लिया करो। और लाइव क्लास सभी लोग अटेंड किया करो यार, क्योंकि इसमें मैं आपको वो देता हूं, टाइम देता हूं, कोई भी डाउट है तो तुरंत के तुरंत पूछ लो। ठीक है, चले आगे बढ़े। और वैसे तो इस तरीके से मैं पढ़ा देता हूँ कि डाउट होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी हो जाती है कई बार। जैसे अभी कोई लाइट हाउस का मैंने पूछ लिया तो आपने बता दिया, देखो कोई बता नहीं रहा था। देखो यार, छोटी सी भी चीज अगर नहीं आ रही ना तो पूछ लिया करो कि यार सर ये क्या चीज है, ये समझ में नहीं आई। तो उससे क्या मेरे को ये चाहिए कि आपके डाउट क्लियर हो। बट हाँ, एक चीज बस ध्यान में रखना, जब मैं पूछूं तभी रिप्लाई करना, क्योंकि क्या होता है बीच में आप मेंशन कर दोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा कि यहां से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, इधर चला जाएगा, राइट, फिर वापस। और अगर आपका कुछ डाउट ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड पूछना, मतलब कई बार पता लगे आप कुछ तो भी डाउट उठा के पूछ रहे हो, तो फिर अब वो दिक्कत आएगी ना, मतलब इसमें इस दौरान अभी जो अपन सीक्वेंस में चल रहा है तो उसमें दिक्कत आएगी थोड़ी सी, तो वही चीज पूछा करो जो यहाँ पर है, मेंशन है, ठीक है, कि जिससे कि वही के वही मैं आपको बता भी दूं। चलो एनीवेज, आगे की बात कर रहे हैं प्री पैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान समझना, राइट, प्री पैक्स, क्योंकि इसको पहले भी हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब प्री पैक्स किन के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए प्री पैक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि अभी रिसेंटली पास हुआ है लोकसभा के द्वारा, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021। अब देखो, दिवाला या दिवालियापन कब यूज करते हैं हम लोग, जैसे बोलते नहीं अरे यार उसका तो दिवाला निकल गया, क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे कि कोई उसकी वो होगी, क्या बोलते हैं, कोई कंपनी होगी डूब गई, क्या बोलते हैं हम लोग, अरे उस कंपनी का तो दिवाला निकल गया, राइट, डूब गई वो, राइट, इंसॉल्वेंट हो गई, बैंक्रप्सी हो गई, राइट, यानी कि उसने लोन लिया था, लोन रिपे नहीं कर पाई, दिवाला हो गया, राइट, उसने जैसे कि शेयर्स वगैरह बेचे थे, शेयर्स की 12 बज गई, दिवाला हो गया, राइट। वही देखना, जो भी कंपनी घाटे में खतरनाक तरीके से ली जाती है, मतलब कि अब स्थिति आ गई शटडाउन करने की, तो वो हो जाता है दिवाला, राइट, तो वो चीज। और स्पेशली दिवाला टर्म तब यूज किया जाता है कि जब वो रीपे नहीं कर पा रही है, यानी कि उसने जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि उसने जो है वो बॉन्ड्स वगैरह जारी कर दिए, ठीक है, पब्लिक के लिए बॉन्ड्स जारी कर दिए, अब वो बॉन्ड्स रीपे नहीं कर पा रही, मतलब कि इतने सारे उसके पास क्रेडिटर्स हैं उनको वो रीपे नहीं कर पा रही, तो क्या हो गया, दिवाला निकल गया उसको। तो ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखो, क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी पर्टिकुलर, ये जो नया कानून जो लाया जा रहा है, इसमें प्री पैक्स का प्रपोजल रखा गया है। ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, मतलब वही चीज कि जो दिवाला वाली जो स्थिति आ जाती है कंपनी के लिए, एक कोई कंपनी है, एंटरप्राइज है, अब वो खत्म होने की स्थिति में है, अब उसको रीपे करना है, अब रीपे कब किया जाएगा, अब आपको पता है कि अब बिल्डिंग है, ठीक है, ये कंपनी की बिल्डिंग है, राइट, तो उसका एसेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, अब इसने क्रेडिटर्स को पैसे नहीं दे पाई, फिर क्या हुआ, बैंक जो हम लोग को देखने को मिलेंगे क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे, राइट, सीज कर लेंगे इसकी बिल्डिंग को, और फिर क्या करेंगे, उसको नीलाम कर देंगे, और फिर उससे जो पैसे आएंगे तो उसका यूज कर लिया जाएगा, भरपाई कर ली जाएगी उसकी, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को इसके अंदर जनरल तौर पर देखने को मिलती है। बट ये प्री पैक्स क्या है, अब इस चीज को हमें समझना है। और पॉइंट टू बी नोटेड, प्री पैक्स सिर्फ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लाया जा रहा है, और अगर वैल्यू की बात करें तो अभी तक जो वैल्यू बताई गई है वो 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए तक जितना भी घोटाला होता है तो बताया जा रहा है कि उसको प्री पैक के थ्रू जो है वो रिजोल्व किया जा सकता है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, और सब कमिटी हम लोग को देखने को मिल रही है इंसॉल्वेंसी लॉ कमिटी की, राइट, इसने रिकमेंड किया था प्री पैक्स को विद इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की, इस कोड के अंदर एक प्री पैक्स भी जो है वो होना चाहिए। अब है क्या ये प्री पैक्स, इस चीज को समझिए। फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन एग्रीमेंट, ठीक है, ये एक एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, किस चीज के लिए, रिजोल्व करने के लिए, किस चीज को रिजोल्व करने के लिए, डेट ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनी। डेट क्या होता है, कर्जा होता है, एक कंपनी है उसके कर्जे को रिजोल्व करने के लिए, उसके कर्जे को खत्म करने के लिए ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट किनके बीच में होता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर और इन्वेस्टर के बीच में ये एग्रीमेंट होता है, इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अब इसको बहुत इजी तरीके से समझो, बैंक है, ठीक है, बैंक से इस कंपनी ने लोन लिया, इस बैंक ने इस कंपनी को कह दिए, पैसे दे दिए, अब ये कंपनी बैंक को रीपे नहीं कर पा रही, अब क्या होगी, इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब पहले के समय पे क्या होता था, बैंक नीलाम कर देगी पब्लिक बिडिंग के थ्रू, नीलामी होगी और ये बिल्डिंग जो है वो होगी, वो निकल जाएगी, राइट, सेल आउट कर दिया जाएगा, उससे जो पैसा आएगा उससे भरपाई कर दी जाएगी, ठीक है, ये तो पहले की प्रक्रिया होगी। अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए, ये बैंकर, अब इसको चाहिए पैसा, ठीक है, इस कंपनी से, अब ये कंपनी डूब रही है, अब यहां पर एक इन्वेस्टर आएगा, ठीक है, इन्वेस्टर और बैंकर जो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं पैसा लेने के लिए, अब ये जो इन्वेस्टर आया, ये इन दोनों के बीच में एक प्रकार का एग्रीमेंट हो जाएगा कि भाई मैं लगा रहा हूं उसमें पैसा,
मुझे भी रिटर्न चाहिए इन फ्यूचर, बट जैसे ही मैं पैसा लगाऊंगा ये कंपनी काम करना शुरू हो जाएगी, तो आपको भी रिटर्न मिल जाएगा, मुझे भी रिटर्न मिल जाएगा, और इस कंपनी की पूरी डिसीजन मेकिंग जो होगी वो मैं लूंगा, राइट? क्योंकि इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर को तो ये चाहिए ना कि भाई अब कोई एक इन्वेस्टर है उसको पता है कि इस कंपनी में, इस स्टार्टअप में, इस कॉन्सेप्ट में बहुत मतलब अच्छी तरीके से वो अपने इनपुट्स लगाकर, अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स को लगाकर उसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कि यार डूबती हुई कंपनी इसने उठा दी, यार मतलब कंपनी डूब चुकी थी इस बंदे ने उठा दी, ऐसा होता है ना कई बार लोग बोलते हैं कि यार, अरे यार ये इसके अंदर स्किल्स है, डूबती हुई कंपनी उठा ले गया। वही चीज, अब कोई एक ऐसा इन्वेस्टर आया, इसने ट्रस्ट दिखाया कि यार मैं इस पर पैसा लगाऊंगा, राइट, और मैं इस पर पैसा लगाने के लिए रेडी हूं, और बैंक के साथ ये एग्रीमेंट कर लेगा कि आपकी जो भी डील होगी वो अब आप मेरे साथ करो, क्योंकि मैं इसके ऊपर पैसा लगा रहा हूं, इस पर जो भी रिटर्न आएगा वो हम लोग के बीच का वो रहेगा, एक प्रकार का एग्रीमेंट, राइट? तो उससे क्या फायदा होगा, जिसकी कंपनी है बेचारा वो भी बच गया। अब जिसकी कंपनी होगी, अब देखो वो तो ओनर है ही, राइट, नो डाउट, उसकी ओनरशिप उससे छीनी नहीं आएगी, राइट, वो तो ओनर है ही, बट फिर भी उसको अपने कुछ शेयर जो है वो डेफिनेटली इस इन्वेस्टर को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं देगा तो बस हो गया फिर तो काम, वैसी ही कंपनी डूब रही थी, उसको एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि कंपनी नीलाम ना हो जाए, पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, उससे पहले एक चांस हम लोग को आउट ऑफ कोर्ट देखने को मिल रहा है, आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बाहर एक एग्रीमेंट के थ्रू, क्योंकि जैसे ही मामला कोर्ट में चला जाता है तो उसके बाद तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि नीलाम होना तो पक्का ही है, तो ये कोर्ट के बाहर कार्रवाई करने की प्रक्रिया हम लोग को देखने को मिल रही है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बस फीड अप हो जाना चाहिए, राइट? और सिस्टम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग हैज बिकम एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर मैकेनिज्म, आज की डेट में ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, स्पेशली अगर हम बात करें यूके में, यूरोप में, पिछले एक डिकेड के अंदर लगभग ये मतलब 10 सालों में ये पॉपुलर चीज हम लोग को देखने को मिलती है, और इंडिया के केस में ऐसा सिस्टम की आवश्यकता है, राइट, दैट रिक्वायर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एग्री ऑन टर्म्स विद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड सीक अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान फ्रॉम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब देखो सिर्फ इसमें एग्रीमेंट ही नहीं रखा गया, इसमें इसको एनसीएलटी को भी शामिल किया गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी शामिल किया गया। अब इसको शामिल करने की वजह यह है कि अगर किसी भी प्रकार का घोटाला कुछ हो तो एटलीस्ट जो है एनसीएलटी जो है वो उसको देख ले, एक बार ऑब्जर्व कर ले। अब घोटाला कैसे हो सकता है, अब बहुत ध्यान सुनना, यहां पर क्या लिखा है कि वित्तीय लेनदार किसी कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित नहीं होना चाहिए, राइट, कि जो लेनदार है वो कॉर्पोरेट मतलब कि देनदार मतलब कि जो इन्वेस्टर है, राइट, तो इन्वेस्टर और वो कंपनी है कॉर्पोरेट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि वही व्यक्ति जो है उसको ले आएगा, क्या बोलते हैं, अपने किसी परिवार को बोल देगा कि यार मेरी कंपनी को बचाने के लिए कुछ समय तक एग्री कर ले, राइट, कि मैं जो है वो पैसा लगाने के लिए रेडी हूं और तू पैसा लगा भी दे, मतलब इस प्रकार का वो नहीं होना चाहिए, रिलेशन नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि अगर रिलेशन इस टाइप का सामने आ गया, इवन जैसे कि बैंकर के साथ भी ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होना चाहिए, कई बार बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं ना कि बैंकर ने सिर्फ ऑन पेपर एग्रीमेंट कर दिया बट पैसे कुछ ट्रांसफर किए नहीं, तो वो ये इस प्रकार की प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिलती है। बाद में बैंक जो है वो उसके मैनेजर की डील होती है, एनपीए करने के लिए खुद ही रेडी हो जाते हैं कई बार, कि घोटाले कैसे होते हैं, क्यों हो रहा है बैंक एनपीए इतनी ज्यादा मात्रा में, राइट, क्योंकि कई बार बैंक के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसी चीज, इस प्रकार का घोटाला एकदम से सामने ना आए, तो इसलिए एनसीएलटी को इसमें इंक्लूड कर लिया गया कि एनसीएलटी के अप्रूवल से ही ये चीज होगी, और अप्रूवल जो होगा उसमें एटलीस्ट 66% फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है दैट आर अनरिलेटेड टू कॉर्पोरेट डेटर वुड बी रिक्वायर्ड बिफोर अ रेजोल्यूशन प्लान इज सबमिटेड टू द एनसीएलटी। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें ये वाली चीज भी मेंशन की गई कि जैसे कि जो पैसा लगा रहा है, ठीक है, जो इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है और जो बैंक है जैसे कि जिसने क्रेडिट दे रखा है, अब यहां पर ये वाली चीज बताई गई है कि इसके 66% स्टेक होल्डर्स, आप कह सकते हो कि मतलब ऐसा मान के चलो कि आसान चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये मैं बताता हूँ, जैसे मान के चलो कि 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग से इस कंपनी ने जो है वो लोन लिया, अब इनमें से 66 लोग जो है वो एग्री करने चाहिए इस एग्रीमेंट प्लान के ऊपर। अगर वो 66 लोग एग्री, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, जिसने पैसा दिया, जैसे मैं हूं, मैं अगर किसी को पैसा दूंगा और कोई मुझे एक नई स्कीम बताएगा कि अरे यार ये तो डूब गया बेचारा, इसको चलो बचा लेते, मैं पैसे लगाता हूँ, अब भाई मुझे तो उसमें एग्री होना चाहिए ना, क्योंकि मेरा पैसा है, अब मैंने पैसा दिया हुआ है, वो रिटर्न नहीं कर रहा, फिर मैं एक और नई झंझट में फंस जाऊं, तो उसके लिए मुझे एग्री होना जरूरी है। तो उसमें वही चीज कही कि 66% जो क्रेडिटर्स हैं उनका एग्री होना जरूरी है, और वो कैसे होगा, तो जब ये प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले एनसीएलटी से अप्रूवल लेने से पहले ये वाली चीज आप सबमिट कर दोगे कि हाँ जो बैंकर है वो भी एग्री कर रहे हैं, राइट, कि इस प्रक्रिया के थ्रू जो है वो आप पैसे लगाकर आगे की मतलब कि जैसे कि कार्रवाई जो है वो रोक सकते हो, इस प्रकार की नीलाम होने की कार्रवाई, और एक बार बिजनेस पे ट्रस्ट कर सकते हो, राइट, तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई, प्री पैक्स वाली चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। और एनसीएलटी जो है दे विल बी रिक्वायर्ड टू ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर अ प्री पैक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग बिफोर कंसिडरिंग द
पिटीशन फॉर अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. तो यहां पर एनसीएलटी के पास जैसी एप्लीकेशन आएगी तो वो रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है. और प्रीपैक जो होंगे गाइस वो मैक्सिमम 120 डेज के हम लोग को देखने को मिलेंगे विद ओनली 90 डेज अवेलेबल टू स्टेक होल्डर्स टू ब्रिंग अ रेजोल्यूशन प्लान फॉर अप्रूवल बिफोर एनसीएलटी. तो 90 डेज के अंदर अंदर उसको जो है वो प्लान लेकर आना पड़ेगा और मैक्सिमम 120 डेज के लिए ये प्रीपैक जो है वो बताए जा रहे हैं कि अवेलेबल रहे, यानी कि एक विंडो अवेलेबल रही 120 डेज की कि आप 120 डेज में जो है वो प्रीपैक्स को अप्रूव करवा लो एक एग्रीमेंट के थ्रू. तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है. और प्रीपैक्स की आवश्यकता क्यों है, तो हम लोग को जो पूरा रेजोल्यूशन का जो मामला हम लोग को देखने को मिलता है डिस्ट्रेस कंपनी का, एक कंपनी का दिवालिया निकल गया उसके पास पैसे नहीं है, तो इसको पूरा रिजोल्व करने के लिए जैसे कि अगर बात करें ना बिडिंग वगैरह लगती है, पब्लिक बिडिंग हम लोग को देखने को मिलती है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है. आप जैसे कि बैंकर है और इवन जैसे कि काफी सारे लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स लोगों ने लेके रखा हुआ है कंपनी के, अब इन तक पैसा आने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो है वो टाइम टेकिंग होती है. बट इस प्रकार का एग्रीमेंट आएगा तो क्या होगा, तुरंत जो है वो इशू होगा नहीं, थोड़ा सा डिले होगा और तुरंत जो है वो कंपनी दोबारा से शुरू हो जाएगी, तुरंत स्टार्टअप शुरू हो जाएगी क्योंकि उसके पास फंडिंग आ जाएगी. राइट, फंडिंग आ जाएगी तो बिजनेस जो है वो रन करने लगेगा. तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है. तो जो स्लो प्रोग्रेस होती है रेजोल्यूशन की डिस्ट्रेस कंपनी की, राइट, तो वो एक बड़ा हम लोग को वन ऑफ द की इशू हम लोग को देखने को मिलता है जो कि अक्सर क्रेडिटर रेस करते हैं. भाई जिसने पैसा दिया उसको तो जल्दी पैसा चाहिए ना, तो वो तो यही रेस करेंगे यार हमें तो जल्दी पैसा चाहिए. बट ये पूरी प्रक्रिया होती है, पहले पेपर वर्क होंगे, फिर कंपनी शटडाउन होगी, फिर दूसरी कमेटी आएगी, राइट, तो ये पूरी प्रक्रिया हम लोग को इंसॉल्वेंसी की देखने को मिलती है, फिर नीलामी होगी, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है. और कई बार नीलामी एकदम से भी नहीं होती, अब सही बायर भी तो मिलना चाहिए, अब सही बायर ही नहीं है तो कैसे फिर नीलाम करके भी क्या कर लोगे, राइट. तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है. और एंड ऑफ मार्च 2021 79% ऑफ 1723 ऑनगोइंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग हैज हैड क्रॉस 270 डेज थ्रेशोल्ड. अब देखो इतना लंबा टाइम मिल गया, राइट, कि इतने लंबे लंबे समय तक जो है वो आप रिजोल्व ही नहीं कर पा रहे हो चीजों को, राइट, इंसॉल्वेंसी का ये मामला जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है. तो ये बेसिकली डिले के कारण ये इंपॉर्टेंट था, ये वाली चीज जो है वो इस प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए. और स्पेशली देखो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की हुई है, नहीं कम अमाउंट की हुई है, बड़ा अमाउंट होगा तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बड़े अमाउंट में इन्वेस्टर भी तो बड़ा होना चाहिए, अब इन्वेस्टर ही बड़ा नहीं मिल पाएगा, ये बात तो सभी को पता है कि एकदम से. और दूसरी बात, बड़ी कंपनी जब कोई डूबती है तो उसमें एकदम से कोई इन्वेस्टर आकर जो है वो उसे उठाने की मतलब हिम्मत ही नहीं रख पाता. आप खुद सोचो ना कि अब जैसे कि 10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, अब वो डूब रहा है, अब 10,000 करोड़ की हैसियत रखने वाला भी इन्वेस्टर होना चाहिए ना, ये वाली बात यहां पर रखी गई है. अब इसमें स्टूडेंट्स की वाली चीज आनी चाहिए मेरे पास कि सर ऐसे तो काफी सारे इन्वेस्टर्स अगर हम लोग कहें तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि काफी सारे इन्वेस्टर्स जो है उसमें इंटरेस्ट ले लें. बट वही चीज मैंने आपको बताई ना कि उस 10,000 करोड़ को बनाने में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हर एक व्यक्ति अगर 1,000 करोड़ भी लगाता है तो आप सोचिए 1,000 करोड़ बहुत होता है, राइट. अब ऐसे 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए कितने सारे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, सेम इंटेंशन वाले व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, अगेन दिस विल गोइंग टू टेक टाइम, है ना. तो कुल मिलाकर आपको जो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर रखना है कि ये प्रीपैक्स क्यों लाया गया, टाइम टेकिंग जो ये इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया होती है कि जिसमें कि जिन लोगों ने पैसा दिया उनके हाथ में वापस पैसा आ जाए, तो उस टाइम टेकिंग प्रक्रिया को रिड्यूस करना है, राइट, इस पर्पज के लिए लाया गया. और दूसरी बात, अमाउंट भी कम रखा गया, 1 करोड़ अभी एट प्रेजेंट तक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ही चूज करते हुए रखा गया, राइट, वो इसलिए क्योंकि ये वाला अमाउंट जो है वो काफी सारे लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, राइट, इसमें इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, बाकी बड़े अमाउंट में नहीं मिलेंगे ना इन्वेस्टर. तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा के पूछ लिया कि बड़े अमाउंट को क्यों नहीं किया, प्रीपैक्स बड़े अमाउंट के लिए क्यों नहीं रखा गया, क्यों लिमिटेड रखा गया, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट. तो ये चीज आप लोग को समझनी है. एंड मेजर रीजन फॉर दिस डिले इज प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन बाय अर्स्टवाइल प्रमोटर्स एंड पोटेंशियल बिडर्स. तो वही चीज मैंने आपको बताई कि कई बार प्रमोटर्स बिडर्स जो है वो इस पूरी प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को जो है वो डिले करने लगते हैं. और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंडर स्टेक होल्डर जो है उन्हें CIRP, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, ये CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो CIRP जो है उसे 30 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है और फिर बैंकरप्सी रेजोल्यूशन की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो जाती है. मतलब कि ये हम लोग को देखने को मिलता है कि ये प्रक्रिया जो है उसको शुरू करने में भी 330 डेज के अंदर अंदर उन्हें ये प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट करनी होती है. बट अभी बहुत बहुत लंबा लंबा समय चल रहा है इंसॉल्वेंसी में, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है. अब इतना टाइम लगेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि जिन लोगों ने पैसा दिया हुआ है तो. और एक और चीज आप देखो, एक और चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगी. अब आप एक चीज और सुनिए, एक और इसके अंदर लूपहोल हम लोग को देखने को मिलता है. एक मिनट रुकिए, देखो अब जो बैंकर है, ठीक है, अब बैंकर है उसने लोन दिया, ठीक है, लेट सपोज 1 करोड़ रुपीज का लोन दिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेट सपोज 10% पर लोन दे दिया. अब आप सुनिए, ये दिवालिया हो गया है इसका, ठीक है, दिवालिया हो गया, बात समझिएगा, दिवालिया हो गया, प्रोसीडिंग शुरू हो रही है.
अब जब ये प्रोसीडिंग शुरू होती है, अब आप देखिए ये वाला जो पीरियड है, तो ऐसा थोड़ा है कि इस पीरियड पर बैंक जो है वो बोलेगी चलो मैं इस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करूंगी। बैंक तो कब तक इंटरेस्ट चार्ज करेगी? टिल द लास्ट डेट उसके पास पैसा नहीं आ जाता है। लास्ट डे या लास्ट डेट, जब तक उसके पास पैसा नहीं आ जाता तब तक वो अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इसमें कई बार ये भी चीज देखी गई है कि प्रोसीडिंग के दौरान ही जो क्रेडिटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं उनका पैसा बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है। तो ये भी फिर बाद में जाकर फिर एक इशू आता है कि जितने में निकली है रिजोल्व हुई है और फिर उनके और ज्यादा उनको नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। तो ये कोशिश की जाती है कि जैसी जितनी जल्दी रेजोल्यूशन हो उतना जल्दी जो है वो बेनिफिट मिल सके क्रेडिटर्स को जिन्होंने क्रेडिट जो है वो दिया हुआ है, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी, ये वाला एंगल भी आप जरूर मेंशन करिएगा, राइट, कि डिले तो अपनी जगह एक और चीज है बट दूसरा कॉस्ट, इस पर भी जो है वो इंपैक्ट क्रिएट होता है और इसके कारण से और नुकसान जो है वो फिर झेलना पड़ जाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फुल अमाउंट जो है वो मिल जाए सभी को। डेफिनेटली जितनी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि किन के क्या क्या शेयर हैं उस हिसाब से। तो इसमें अगर डिले होगा तो फिर और भी उनको नुकसान होगा। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो आपको नहीं मिलेगा कहीं पर। अब आगे चल के क्या, प्री पैक मैकेनिज्म इज इफेक्टिव इन अराइविंग एट अ क्विक रेजोल्यूशन फॉर द डिस्ट्रेस कंपनी। तो यही वाली चीज है कि ये प्री पैक मैकेनिज्म एक बहुत अच्छा है सेटल करने के लिए डिस्प्यूट्स वगैरह को, राइट, और टाइम के रहते हुए, राइट, कम टाइम में, राइट। तो ये प्रक्रिया जो है वो हमें देखने को मिलती है इस प्रकार की। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक और इसी के साथ जुलाई वाला सेशन आपका फिनिश हो गया है। और आज एक गाइडेंस क्लास रख रहे हैं अपन 15 मिनट में। मैं भी अपनी कॉफी वगैरह मम्मी से बोल दूं तो कॉफी वगैरह आ जाए। और मैं लेता हूँ अश्वगंधा, अश्वगंधा गिलोय, पहले तो ये पीता हूँ मैं, ये वाली चीज है सबसे पहले। अश्वगंधा हो गया, गिलोय हो गया, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये खाता हूँ मैं। फिर उसके बाद फिर आती है अपनी कॉफी। तो जैसी मेरी कॉफी आती है मैं फिर से, आप लोग भी अपनी कॉफी वगैरह लेकर आओ, कॉफी वगैरह जो भी आपको खाना पीना है लेकर आओ। फिर अपन एक रखते हैं जितने भी, यानी कि जो भी आपके इश्यूज आ रहे हैं प्रिपरेशन के दौरान वो आप पूछ सकते हैं, इसको मैं शट डाउन करूंगा और फिर एक नया सेशन आपका शुरू होगा। अच्छा, अभी अभी तक बता दो इसमें कुछ डाउट हुआ आज के सेशन में, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ लो। चलो, वेरी गुड। और बाकी कुछ दिनों बाद आपके इसी एप्लीकेशन में ही आपको वो मिल जाएगी, क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। फिर अपन कोशिश करेंगे कि हर हर हफ्ते जो है वो आपका एक टेस्ट सीरीज हो जाए, हर संडे टू संडे, या एक दिन संडे या मंडे किसी भी दिन आपकी एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर ले। कोशिश करेंगे अपन, मतलब इसी में एप्लीकेशन में आपको टेस्ट जो है वो मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, ऐसा करेंगे क्योंकि रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है, एक साल भी अपना हो गया। सर, इफ द इन्वेस्टर विल नॉट सो सिंसियर फॉर रिटर्न द मनी फॉर कॉमन पीपल देन इट विल सक्सेसफुल सिंस इन्वेस्टर विल फोकस ऑन देयर ओन इंटरेस्ट। इन्वेस्टर ऑलवेज फोकस ऑन देयर ओन इंटरेस्ट, ऑलवेज। इन्वेस्टर को कॉमन लोगों की नहीं पड़ी है, इन्वेस्टर को सिर्फ अपनी पड़ी है। इन्वेस्टर होता क्यों है? क्योंकि उसको तो अपना ही देखना है ना। इस कॉन्सेप्ट में मत जाओ, कॉमन पीपल के वेलफेयर के कॉन्सेप्ट में मत जाओ भाई। वो कॉमन पीपल, कॉमन पीपल तो नहीं है ना यहाँ पर, यहाँ पर तो सभी इन्वेस्टर होंगे ना कंपनी के। अब जिसने, मैंने शेयर खरीदा है कंपनी का तो मैं भी तो उसका इन्वेस्टर हूं। इस तरीके से आप चीजों को समझो। और एक कोई अलग से जो इन्वेस्टर आएगा जो इन्वेस्ट करेगा और इसकी जो डील होगी, दूसरे आप कह सकते हो कि दूसरे इन्वेस्टर्स या जिन्होंने बॉन्ड लिया है बैंकर्स हैं उनके साथ, तो उसमें मैंने आपको बताया ना कि एनसीएलटी 66% पहले अप्रूवल देखेगी, पहले ये चेक करेगी कि 66% नहीं नहीं राजवीर जी, रेगुलर बेसिस पर नहीं आती है ज्ञानशीला। ज्ञानशीला जो पीडीएफ है वो कभी कभी आती है आपकी, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पहले, मे भी शायद आप बाहर थे, शायद आपने अटेंड नहीं किया होगा। ज्ञानशीला वाली पीडीएफ जो होती है ना वो मैं कंपाइल करता हूँ बहुत दिनों की। जैसे कि अभी आप देखो, मैं आप स्क्रीन पे दिखी रही होगी आपको, ये देखो 29th का ये पेपर यहाँ पर रखा हुआ है। ये मतलब मैं इसमें बहुत सारी चीजें पहले देखता हूँ, फिर ऐसे ये 28th का रखा है, 30 तारीख का भी देखना बाकी है। तो ये पूरा आपके जो हिंदू के जो न्यूज़पेपर दिखाई दे रहे हैं ना, और ऐसे ही दैनिक भास्कर का वो वाला कॉलम वगैरह हो गया, ये पूरी चीजें जो है वो मैं देखने के बाद, कवर करने के बाद, उसके बाद फिर आप लोग के लिए वो ज्ञानशीला लेकर आता हूँ, समझ रहे हो। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पहले मैं उस न्यूज में और भी चीजें ढूंढूं कि यार और क्या काम की हो सकती है जो आपके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो, और इसके अलावा अलग से मुझे कुछ और मिल जाए कि यार आज की डेट में ये ट्रेंड चल रहा है, इससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछ सकती है, तो फिर वो मैं आपको दे दूंगा। चलो अभी इसको द पीपल्स हु हैज टेकन शेयर, ठीक है, क्लियर है प्रीति जी आपको? फिर अपन अभी 15 मिनट बाद मिलते हैं, और सभी लोग लाइव ही रहिएगा, मतलब इसमें रहिएगा, क्या बोलते हैं, अपने फोन को पास में ही रखिएगा, अपन डायरेक्ट ऑन कर देंगे। नहीं नहीं ज्योति जी, आपने अभी भी शायद ज्वाइन किया गया इस सेशन को। आप देखिए
आप यहां पर देखिए, आप लोगों मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहां पर मिलेगी। एप्लीकेशन में आप देखिए बहुत सारी चीजें, वहां पर टेस्ट भी लिखा है राइट, वहां पर वीडियोस भी लिखे हुए हैं, रिकॉर्डिंग लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी लिखी हुई है, ऐसे लिखा होगा ना आपके पास ऑप्शन। आप देखिए कि स्टडी मटेरियल सबसे लास्ट में लिखा होगा शायद, और स्टडी मटेरियल के अंदर ही आएगा यूट्यूब की लिंक, वहीं पर ही आएगा आपके डॉक्यूमेंट्स, और वहीं पर ही आएगा एक फोटो वाला होता है कॉलम, वो उस पर मैं ज्यादा डालता नहीं हूँ। ये डॉक्यूमेंट में देख लो, डॉक्यूमेंट में देख लो, ज्ञानशिला की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बाकी मैगजीन के साथ भी कंपाइल करके दे दूंगा मैं। ठीक है, 15 मिनट, 15 मिनट में मिलते हैं, जो भी आपके आपको चाहिए गाइडेंस पूछ सकते हो आप, फिर 15 मिनट में मिलते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।